गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। लेकिन 7.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम इस एक्सरसाइज में नई दो थ्योरम्स आपके पास आ चुकी हैं। एक आपके पास है साइड 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 और एक आपके पास है RHS। ठीक है जी, साइड 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 क्या कहते हैं कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल आपके पास सपोज क्या ABC है, तो दिस ए बी सी। दूसरी ट्रायंगल आपके पास है PQR, सो PQR। ठीक है जी, अगर आपके पास हो जाए कि AB इक्वल टू हो जाए PQ, BC इक्वल टू हो जाए आपके पास QR एंड AC इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए PR हो जाए, मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाती है। तो बाय साइड 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 ट्रायंगल ABC कॉन्गेंट होगी ट्रायंगल PQR की। ठीक है जी, ये आपके पास थ्योरम आपके पास है जो SSS आपके पास। ठीक है जी, फिर आपके पास आता RHS। RHS आपके पास क्या है, राइट एंगल। R का मतलब क्या है, राइट एंगल। H का मतलब हाइपरटेन्यूज, HYPPOTENUSE हाइपरटेन्यूज, राइट एंगल, हाइपरटेन्यूज। और दूसरा S आपके पास क्या है, साइड है। दैट मीन आपके पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास है। ठीक है जी, सो दिस एंगल इज 90। सेम वे आपके पास ये ट्रायंगल है। अगर दो ट्रायंगल्स में आपके पास एक एंगल 90 है, उनका एच इक्वल है, 90 के सामने आपका एच होता है, तो ये एच आपके पास है। और कोई भी एक साइड, चाहे वो ये साइड हो चाहे वो ये साइड हो, अगर बोलता हूँ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, राइट एंगल है, हाइपरटेन्यूज, और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है, सो बाय RHS दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट आपके पास होंगे। इनके जो प्रूफ हैं वो आपको क्लास में करवाऊंगा मैं। अभी के लिए आपको मैंने बता दिया कि ट्रिपलेस क्या होता है और आपके पास RHS क्या होता है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। आपके पास एक BC आपका बेस है, ठीक है ना। इस बेस BC पे दो ट्रायंगल्स बनी, एक बनी आपके पास ABC, दूसरी बनी है DBC। और ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होती हैं जिनकी दो साइड्स क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। और ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ए जो ट्रायंगल ABC का है, और डी आपके पास जो ट्रायंगल आपकी BDC है, इसका वर्टेक्स है। दोनों BC के सेम साइड, मतलब दोनों ऊपर बने हुए हैं। अगर एग्जामिनर ये बोल देता है कि बोथ आर अपोजिट, दैट मीन डी आपका कहाँ बनेगा, फिर ट्रायंगल आपके नीचे बनेगी, BDC समथिंग है, नीचे आपकी बनेगी। ठीक है जी, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अब इस AD को क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया अप टू पॉइंट P तक, जो इस BC को P पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। शो दैट ABD, आपने शो करना है ABD ये वाली ट्रायंगल कॉन्गेंट टू ट्रायंगल ACD आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, तो जो मुझे गिवन है, क्या गिवन है मुझे, ABC एंड BDC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर दोनों ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो यहाँ से कंक्लूजन आपके पास क्या आता है, ABC आइसोसेल्स है, तो यहाँ से निकलता है कि AB इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, AC होगा। और दूसरा यह कंक्लूजन, अगर BDC भी आपके पास आइसोसेल्स है, सो BD इक्वल टू आपके पास क्या होता है, DC आप कह सकते हो, कि इनकी आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो आपकी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है जी, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं मैं। सो प्रूफ में आपने क्या करना है, आपने शो करना है, यहाँ लिख दो पहले टू शो, क्या शो करना आपने, ट्रायंगल ABD कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास क्या है, ACD आपने करनी है शो। ठीक है जी, तो चलिए प्रूफ लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, यही दो ट्रायंगल लेके चलता हूँ मैं। सो ABD में आपको पता है कि AB इक्वल टू आपके पास क्या है, AC आपके पास है। AB इक्वल टू आपके पास क्या है, AC है। फिर आगे देखिए आप, फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पे, कि ये जो AD आपके पास है, ये AD आपका इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, सो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, AD हो जाएगा। फिर BD इक्वल टू CD भी आपको पता है, तो BD इक्वल टू क्या होगा आपके पास, CD। तो AB इक्वल टू AC ये भी मुझे गिवन है,
और ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन आपके पास आ गया, और ये भी मुझे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपकी क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। सो बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी डी कॉनकेव टू ट्रायंगल आपके पास आ जाता है ए सी डी, और ये आपका क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट पार्ट है। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, टू शो, सेकेंड पार्ट यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, टू शो क्या करना आपने सेकेंड पार्ट में, कि जो ट्रायंगल आपके पास है, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी कॉनकेव टू ट्रायंगल आपने करनी है ए सी पी के, ए सी पी करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे होगा आपका, ए पी पी इस ट्रायंगल की बात करता है, बात करता हो ए सी पी की बात करता है, ठीक है जी। पहले आप यहाँ पे आ जाओ एक बार, अगर दोनों ट्रायंगल कॉनकेव आती हैं, ए बी डी और ए सी डी कॉनकेव आती है, तो यहाँ से आपके कंक्लूजन क्या बनते हैं, यहाँ से कंक्लूजन बनता है कि सपोज ये एंगल वन है, ये एंगल आपके पास क्या है टू है, तो यहाँ से बनता है एंगल वन इक्वल टू क्या बनता है, एंगल टू बनता है। रीजन क्या आता है इसका, बाय सी पी सी टी आपके पास आता है, ठीक है जी। चलिए ए बी पी ट्रायंगल लेता हूँ मैं, तो ये जो ए बी पी ट्रायंगल मेरे पास है, यहाँ पे क्या आपके पास क्या बोलोगे कि ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए सी है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। फिर आप बोलोगे एंगल वन इक्वल टू क्या है, एंगल टू। रीजन क्या आएगा आपको, प्रूव्ड अबव, या लिख दो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, कि पहले पार्ट में आपने इसको क्या किया है, प्रूफ किया आपने, ये साइड आपके पास आ चुकी है, ये एंगल आपके पास आ चुका है, तीसरा आपके पास क्या रह गया, ये जो साइड है यहाँ पे ए पी, ए पी इजिकल टू क्या, ए पी, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया। सो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी पी कॉनकेव टू ट्रायंगल आपके पास क्या आ जाता है, ए सी पी आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपके पास क्या सेकेंड पार्ट है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल एज डी, जो ये ए पी है ना, ये ए पी इस एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है और इस एंगल डी को भी क्या करती है, ये बाइसेक्ट करती है, ये आपने क्या करना है, शो करना है। तो आप खुद देखिए एक बार कि अगर मुझे ये शो करना है कि ये जो ए पी है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट और देखिए कि आपने यहाँ पे एंगल वन को एंगल टू निकालना है, एंगल वन को आपने क्या बोला, एंगल टू बोला ना। अगर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आपके पास आया है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि आपके पास ये दोनों एंगल आपके पास क्या है, इक्वल है, तो ये जो लाइन है इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपका जो थर्ड पार्ट होगा, इन फर्स्ट पार्ट वी प्रूव्ड एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, ठीक है जी, प्रूव किया ना। सो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, तो ये ए पी जो है ना एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अब बात करते हैं एंगल डी की। अब ये तो है नहीं कि आपने ए को बता दिया, यहाँ ये पूछा है कि एंगल डी को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो एंगल डी के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना होगा। अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी साइड्स क्या होंगी, ये इक्वल होंगे आपके पास, ठीक है जी। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको करने के लिए आप ट्रायंगल लेके चलेंगे, मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ आपके लिए अगले पेज पे। चलिए बच्चे मैंने डायग्राम अलग से बना लिया आपके लिए, जो आपका थर्ड पार्ट आपने करना है, एंगल ए आपका हो चुका है, एंगल डी हमने बताना है, ये जो डी पी है बताना है कि ये एंगल और ये एंगल आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी हमारा जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था कि ट्रायंगल ए बी पी कॉनकेव टू ट्रायंगल ए सी पी हमने प्रूव किया। अगर ये दोनों आपके इक्वल आ गए, ट्रायंगल आपकी कॉनकेव थी, तो वहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता आपका कि ये जो बी पी है और ये जो सी पी है, ये दोनों पार्ट किसके हैं आपके, ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी के पार्ट से। तो यहाँ से क्या था, देयरफॉर निकलता था यहाँ से कि बी पी आपके पास इक्वल टू क्या आता है, सी पी आता है। सपोज ये एंगल आपके पास क्या वन है, ये एंगल आपके पास क्या टू है, और एंगल वन इक्वल टू आपके पास क्या आता है, एंगल टू आता है। ये रीजन कंक्लूजन आपके पास आता है बाय सी पी सी टी, या आपने जो सेकेंड पार्ट वहाँ पे किया था प्रूव। अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है जी, बी डी पी एंड सी डी पी दो ट्रायंगल लेके चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि बी डी इक्वल टू आपके पास क्या है, सी डी है। रीजन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में डी पी कॉमन है, तो डी पी इज इक्वल टू क्या गया,
डी पी आप लिखो रीजन इसका, कॉमन आपके पास आ गया। फिर बी पी इजिकल टू क्या लिखोगे आप, सी पी लिखोगे, प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। आपने सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल कॉन्गेंट की थी तो वहां से आपके पास आ गया था, या आप लिख दो और सी पी सी टी से आपका रिजल्ट आया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्गेंट ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल टू इसकी आ गई। सो बाय एस 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 ट्रायंगल बी डी पी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास क्या आ गया, सी डी पी आ गया। अगर दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्गेंट यहाँ पे आ जाते हैं सो देयर फोर एंगल बी डी पी, एंगल बी ये वाला एंगल बी डी पी, दिस एंगल और ये एंगल आपके पास क्या है, एंगल सी डी पी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल आ चुके हैं, दैट मीन अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए हैं तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो डी पी है इस एंगल डी को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। दिस प्रूव दैट डी पी ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल डी। ठीक है जी, ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ में क्या बोलता है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। फोर्थ पार्ट में क्या करना है कि ये जो ए पी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी आपके पास है कि ये ए पी इस बी सी को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में, लेकिन उसको क्या करता है वो परपेंडिकुलर। अब मुझे पता है, आई नो, देखो आपने क्या लिखा था कि बी पी इज इक्वल टू सी पी तो है, प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट, सेकेंड करते हैं सेकेंड पार्ट, बी पी इज इक्वल टू सी पी आप कर चुके, तो ये क्या शो करता है, इट शो दैट ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी आपके पास क्या बाइसेक्टर है किसका, बी सी का, लेकिन मैंने क्या शो करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना है। सेकेंड पार्ट में जब हमने ट्रायंगल को कॉन्गेंट प्रूव किया था तो वहां से रिजल्ट भी आया था कि एंगल वन इक्वल टू आपके पास क्या था, एंगल टू था, रीजन का लिखो प्रूव्ड अबव, इसको भी हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। सो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल वन, लेट एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एक्स मैंने मान लिया। ठीक है जी, दूसरा देखिए कि ये जो दोनों एंगल बने हैं, दिस टू एंगल आर ऑन द सेम लाइन, दोनों एंगल आपके सेम लाइन पे बने हैं। अगर एंगल आपके दोनों सेम लाइन पे बने हैं तो क्या बना कि ये आपके दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर आपके पास बनाते हैं। सो आई विल राइट एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, रीजन लीनियर पेयर आपके पास बना, कंक्लूजन। बट एंगल वन टू को मैंने क्या माना, एक्स माना है, सो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x आपके पास आता है 180 बाय 2, दैट मीन इक्वल्स टू आपके पास क्या आता है, 90 डिग्री आता है। सो हेंस ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, कि ये जो ए पी आपके पास है ये बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, और इक्वल पार्ट्स में भी कौन से एंगल पे करता है, 90 डिग्री पे क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। सो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की बात है कि हम कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, पहले पार्ट में आपका ट्रिपलेस लगा दिया, फिर हमने एससे किया, फिर अगेन थर्ड पार्ट हमने प्रूव किया ट्रिपलेस से किया उसको भी प्रूव, और फोर्थ पार्ट हमने किससे किया, लीनियर पेयर से हमने सॉल्व किया। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर टू हम करते हैं अभी। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम। ए डी इज एन आल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसको मैंने क्या बोला, ए बी सी, जैसे मैंने बना ली यहाँ पे, दिस इज माई ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विच ए डी इज एन आल्टीट्यूड। तो यहाँ से ए से आपके पास ड्रॉ किया आपने, तो दिस इज द डी, और आल्टीट्यूड की बात कर, दैट मीन दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 आपके पास है, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी आपके पास है, ए बी और ए सी आपके पास इक्वल है। शो दैट, टू शो क्या करना है, टू शो आपने करना है कि आपके पास ए डी बाइसेक्ट बी सी, कि ये जो ए डी है बी सी को बाइसेक्ट करता है। इनडायरेक्टली आपने क्या शो करना है, बी डी इक्वल टू आपने सी डी शो करना है। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच, इन विच आपके पास ए बी इक्वल टू आपके पास क्या है एसी है एंड ए डी परपेंडिकुलर है किस पे आपका बी सी पे है, ठीक है जी, आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो इन ट्रायंगल, अब देखिए बी डी इक्वल टू सी डी मैंने प्रूव करना है तो दो ट्रायंगल लूंगा मैं, एक ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी होगा क्या आपके पास कि ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है ए सी होगा, फिर आप बोलेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो आपको गिवन है क्योंकि ट्रायंगल आपके क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए डी इक्वल टू ए डी क्यों आएगा, ये आपके पास क्या है कॉमन आपके पास है, और फिर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू आपके पास क्या आता है 90 डिग्री आता है, रीजन क्या आता है ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी आपके पास है। सो बाय, देखिए 90 के सामने आपका एच होता है और ये एक साइड बन चुकी है, ये एंगल 90 आपके पास होगा, तो क्राइटेरिया लग गया बाय आर एच एस, बाय आर एच एस क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपका हो गया ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्गेंट ए सी डी हो गया, देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या हो गया सी डी बाय सी पी सी टी, देखो ये वाली साइड इक्वल टू किसके हो जाएगी इस साइड की हो जाएगी बाय सी पी सी टी, हैंस ए डी बाइसेक्ट बी सी, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट क्लियर है आपका। सेकेंड पार्ट बोलता है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, कि आपके पास ये जो एंगल ए है इसको भी क्या करता है बाइसेक्ट करता है, अगर ये एंगल वन है ये एंगल आपके पास क्या है टू है, अभी मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या किया कॉन्गेंट प्रूफ किया, अगर मैंने दोनों को कॉन्गेंट प्रूफ किया है सो होगा क्या एंगल वन इक्वल टू आपके पास क्या आएगा एंगल टू आएगा, रीजन क्या आएगा इसका बाय सी पी सी टी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने इसको प्रूव किया है, अगर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है आपके पास तो यहां से क्या आएगा एज बोथ एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल सो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए डी जो है ना एंगल ए को क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी, तो ये आपका क्या है सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए बच्चे आपके पास क्या गिवन है, टू साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास दो ट्रायंगल हैं गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल आपको गिवन है और क्या इक्वल गिवन है कि ये किस साइड ए बी इक्वल टू किसके है पी क्यू के आपके पास है, ए एम इक्वल टू आपके पास क्या है पी एन आपके पास है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं बी सी इक्वल टू आपके पास क्या है ये क्यू आर दिया हुआ आपको, ठीक है जी, अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने क्या शो करना है टू शो, टू शो क्या करना आपने ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम इक्वल टू आपने क्या कॉन्गेंट शो करना आपने ट्रायंगल पी क्यू एन क्या आपने इनको शो करना है, तो चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में क्या कीजिए इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है दो ट्रायंगल लेके चलता हूँ मैं ए बी एम एंड पी क्यू एन लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी, तो मैं क्या बोलूँगा कि इस ट्रायंगल ए बी एम में आपके पास तो आप क्या बोलोगे कि ए बी इक्वल्स टू किसके आपके पास पी क्यू के आपके पास है, ए बी इक्वल टू क्या है पी क्यू है, एंड दूसरा आपको क्या बोला गया कि जो पी एम ए एम आपके पास है ये साइड इक्वल टू क्या आपके पास पी एन के इक्वल है, अब दिक्कत यहाँ पे आपके पास क्या आ गई कि मैंने ए बी एम को कॉन्गेंट प्रूव करना है पी क्यू एन के, लेकिन मुझे क्या बोला गया कि ये कंप्लीट साइड बी सी और ये कंप्लीट साइड आपके पास क्या क्यू एन है इनको इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं अलग से यहाँ बोल यहीं पर जहाँ पर मैंने गिवन किया था इनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, आप यहीं बोल दो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, आपको क्या गिवन है बी सी इक्वल टू क्या गिवन आपको क्यू आर गिवन है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पता है,
सो डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड टू से डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या बनता है, बी सी बाई टू इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, क्यू आर बाई टू बन जाता है। बी सी बाई टू इक्वल टू क्यू आर बाई टू। और बी सी बाई टू, ये टू से डिवाइड क्यों किया मैंने, क्योंकि आपका ए एम और पी एन दोनों आपके पास क्या मीडियन है, तो बी सी बाई टू आपके पास क्या बनता है, बी सी बाई टू बनता है मेरे पास बी एम। तो यहाँ से कंक्लूजन आपके पास क्या आता है कि बी एम इक्वल टू क्यू आर बाई टू क्या बनेगा आपके पास, क्यू एन बन जाते हैं, क्यू एन। तो यहाँ से क्या था, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपके पास था, ए एम इक्वल टू क्या है पी एन है, और बी एम इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, क्यू एन आपके पास आ गया। तो बाई एस 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 ट्रैंगल ए बी एम कॉन्गेंट टू ट्रैंगल कौन सी आपके पास, पी क्यू एन, और है लिख दो हैंस प्रूफ। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो आपने किया है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट भी आपने क्या करना है, प्रूव करना है। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने से पहले एक बार खुद देखिए, बहुत आसान से सेकंड पार्ट आपके पास है। आपने इन दोनों ट्रैंगल को क्या किया, कॉन्गेंट प्रूव किया। अगर ये दोनों ट्रैंगल आपकी कॉन्गेंट हैं तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन लेके चलता हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू होगा। यहाँ से क्या, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिखोगे, रीजन आएगा बाय सी पी सी टी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट क्या है, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्गेंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर आपने करना है। आपको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू आपको पी क्यू गिवन है, दूसरा आपको क्या गिवन है, बी सी इक्वल टू आपको क्या गिवन है, क्यू आर गिवन है। और अभी मैंने क्या किया, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन। और अभी मैंने एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल किया, अभी पीछे बताया था मैंने, बाय सी पी सी टी प्रूव्ड अबव, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इसको मैंने क्या किया है, प्रूव किया है। सो क्राइटेरिया क्या लग गया यहाँ पे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या लग गया आपके पास, देखिए ट्रायंगल ये बनी थी आपके पास, सपोज यहाँ पे क्या था ए बी सी, और ये आपके पास क्या था ए एम आपके पास है। तो ये साइड ए बी, ये एंगल बी, और ये एंगल आपके पास क्या है, सी है। तो दूसरी ट्रायंगल में सेम है, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास क्या जाता है, पी क्यू आर, और लिख दो हैंस प्रूव्ड आपके पास है। ठीक है जी, तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। क्वेश्चन नंबर फोर, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस। पहले आप नई ट्रायंगल, आप एक ट्रायंगल बनाइए आप ए बी सी, तो दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी, बी ई एंड सी एफ, यहाँ से बी ई, ये मेरा ई बन गया, ये भी एक अल्टीट्यूड है, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया सी एफ, ये भी आपके पास क्या अल्टीट्यूड है, और दोनों अल्टीट्यूड आपके पास क्या है, इक्वल है। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्गेंस रूल प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपने क्या प्रूव करना है कि ये आपके पास ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। तो टू शो क्या करना है मुझे, ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। तो बच्चे जब आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पे एक बात याद रखिए आप कि क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है कि क्राइटेरिया आपने आर एच एस यूज करना है। तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए अगर मुझे आइसोसेल्स करना होगा इनडायरेक्टली मुझे क्या करना होगा, ए बी इज इक्वल टू मैं ए सी करूँगा। अगर मैं किसी तरह से एंगल बी को एंगल सी के इक्वल कर देता हूँ, मैं एंगल बी को इक्वल क्या कर देता हूँ, एंगल सी कर देता हूँ मैं, तो एंगल बी के सामने ए सी है, एंगल सी के सामने ए बी है। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और वो अगर साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आपकी ट्रायंगल क्या बन जाती है, आइसोसेल्स बन जाती है। सो आई विल टेक द टू ट्रायंगल जो आपको गिवन है। अब देखिए ये ट्रायंगल आपके पास क्या है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, दिस इज द ट्रायंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड, फिर आप देखिए ये ट्रायंगल आपके पास जिसको मैंने किया है, ट्रायंगल क्या आपके पास सी एफ बी, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, दो ट्रायंगल मैंने लिया है यहाँ पे। सो व्हाट यू विल से कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी आपके पास क्या 90, तो एंगल ई इज इक्वल टू एफ इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। फिर आप क्या बोलोगे कि बी ई इज इक्वल टू आपके पास क्या सी एफ है,
ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। दोनों मुझे चीज़ें क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वल अल्टीट्यूड है। अब ट्रायंगल कॉन्केंट करने के लिए मुझे तीन चीज़ें चाहिए। अब आप देखो कि ये जो ट्रायंगल बनी है ये बेस बी सी पे बनी है, और ये जो ट्रायंगल बनी है भी कहाँ बनी है, बेस बी सी पे बनी है। दैट मीन यहाँ से क्या आएगा कि बी सी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, बी सी, ये दोनों में क्या आ गया आपके पास कॉमन आ गया। अब ये 90 के सामने आपके पास क्या होता है, एच होता है, और ये एक साइड होगी, तो बाय आर एच एस ट्रेंगल बी ई सी कॉन्गेंट टू ट्रेंगल आपके पास क्या आता है, सी एफ बी आ जाते हैं, बाई आर एच एस दोनों ट्रेंगल आपके पास क्या कॉन्गेंट आ गई। देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल सी बाय सी पी सी टी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। मैंने यही बोला था आपको कि आपको एंगल बी को एंगल सी के इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। एंगल बी इज इक्वल टू सी आ गया, एज एज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आर इक्वल, बी एंड सी एंगल आर इक्वल, एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, सो द साइड अपोजिट टू, सो द साइड अपोजिट टू दीज एंगल, सो द साइड अपोजिट टू दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल, इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मीन यहाँ से आपके बी के अपोजिट ए सी है, सी के अपोजिट आपके पास क्या ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सी आ गया। हैंस ए बी सी इज एन आइसो सेल्स ट्रेंगल इन विच टू साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। और यही मैंने क्या करना था, प्रूव करना था कि आपके पास आर एच एस है, आपने क्या किया बी को सी के इक्वल प्रूव किया, और इसको प्रूव करने के बाद आपने क्या प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे थ्योरम्स आपके पास था, आपने थ्योरम कर चुके हैं कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है आपके पास इक्वल होती हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। सो पहले बनाइए ए बी सी, सो दिस इज माई ए बी सी, हियर वी हैव ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू आपके पास क्या ए सी है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, आपने यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट मीन दिस एंगल इज 90, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90। टू शो दैट draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C, तो टू शो आपने क्या करना है, एंगल B equal to angle C आपने करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन वैसे आप बोल दोगे कि सर AB और AC equal हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपने ऐसे नहीं करना। यहाँ पे बोला गया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और फिर बताइए कि B equal to C आपने करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की गई है कि ए पी परपेंडिकुलर हमने बी सी पे ड्रॉ किया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में। दो ट्रायंगल बनती है यहाँ पे, एक ट्रायंगल बनती है ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, दो ट्रायंगल बनी ए बी पी एंड ए सी पी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है आपके पास, दोनों ट्रायंगल्स में आप बोलोगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो ये एंगल क्या, ए पी एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। क्या किया मैंने, ए पी परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे आपके पास है। फिर आप बोलोगे कि ये जो ए पी साइड है दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है, सो ए पी इज इक्वल टू क्या आ गया ए पी, और रीज़न क्या है इसका, कॉमन आया। सो बाय 90 के सामने आपका एच होता है और ये साइड, सो बाय आर एच एस ट्रायंगल ए पी पी कॉन्गेंट टू ट्रेंगल आपके पास क्या आ गया ए सी पी आ गया, दोनों इक्वल। देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल सी बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्गेंट आ जाती है तो ये एंगल इक्वल टू ये आएगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्गेंट ट्रेंगल। और यहाँ लिखो हैंस प्रूफ, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.7.3। आई होप कि आपको समझ में आई है, नहीं समझ में आया डाउट्स में आप बोल सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ ये देखना है कि बताना क्या है हमने,
क्वेश्चन को एक बार नहीं, क्वेश्चन को कम से कम तीन बार आप एक बार पढ़िए। तीन बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हमने क्या प्रूव करना है। सो थैंक यू।